हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 10 साइंस। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ लेकर चलते हैं। 29 जनवरी की ये वर्कशीट है, फ्राइडे की। तो आज की जो वर्कशीट है वो आपको पैटर्न समझाने के लिए है कि जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर आपके एजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस आने हैं। तो उसके लिए आपके वर्कशीट्स में भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि आपको उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट मिल सके। तो ऐसे पेसेज एंड सॉल्व से यहाँ इस वर्कशीट में 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एजर्शन रीजन पर। और आज की वर्कशीट के बाद आपको सारे जो हैं इसके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एजर्शन रीजन जो क्वेश्चन है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्न होते हैं उनको। तो पहले आपको समझाया गया है इस वर्कशीट में कि एजर्शन एंड रीजन जो ये क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपको करना है, क्या होता है अभिकथन या कारण क्या है, किस बेसिस पर है ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। सबसे पहले बात की एजर्शन क्या होता है, यानी कि अभिकथन। तो अ सिंपल स्टेटमेंट, अ फैक्ट और ओपिनियन बट नॉट नेसेसरली ट्रू, ये एक कथन होता है या तथ्य आप कह सकते हो या कोई विचार, किंतु ये आवश्यक नहीं कि ये कथन सत्य ही हो। तो ये एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये नेसेसरी नहीं है कि वो ट्रू ही है। तो ये कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई तथ्य हो सकता है। अब बात करेंगे रीज़न की। तो आप देखते हैं कि एजर्शन का एक स्टेटमेंट होता है, फिर रीज़न का एक स्टेटमेंट होता है, और फिर उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स दिए होते हैं, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं और आंसर बताना होता है। तो रीज़न क्या है कि एक स्टेटमेंट सपोज टू जस्टिफाई द एजर्शन बट नॉट नेसेसरली ट्रू, यानी कि कारण क्या है, ये एक कथन है जो कि अभिकथन को सत्यापित करेगा, उसको जस्टिफिकेशन देगा, उसकी एक्सप्लेनेशन देगा, किंतु ये आवश्यक नहीं कि वो उसका बिल्कुल सही हो या वो कथन भी खुद सत्य हो। एक तो बात ये है कि वो खुद से भी कथन, वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और दूसरी बात ये कि ये जो रीज़न है वो इस अभिकथन को, ये जो कारण है वो इस अभिकथन को जस्टिफाई करे, इसको सत्यापित करे। तो ये बात होती है एजर्शन और रीज़न के बारे में, आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि जब हमने एजर्शन और रीज़न समझ लिया, उसको पढ़ लिया है, अब आगे प्रश्न का उत्तर कैसे करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप देखते हो कि दो कथन दिए जाते हैं, अभिकथन और दूसरा होता है कारण। उसको अभिकथन को हम बोलते हैं ए, ए से, यानी कि एजर्शन इज ए एंड कारण इज रीज़न, ठीक है, उसको हम आर से शो करते हैं। नीचे पॉइंट दिए गए ए बी सी डी ई, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप ए ऑप्शन कब लगाते हैं, जब आपको लगता है कि एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, दोनों सत्य हैं, और जो आर है यानी कि जो रीज़न दिया गया है वो एजर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसका बिल्कुल सही व्याख्या करता है। बी पॉइंट यानी कि बी ऑप्शन जब आंसर करते हैं आप, जब बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ए और आर ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि जो अभिकथन दिया गया है तो रीज़न जो दिया गया है, आर जो दिया गया है वो उसकी सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सी होता है जब ए इज ट्रू होता है बट आर इज फॉल्स, यानी कि कथन ए जो होता है, एजर्शन जो है वो सत्य है लेकिन रीज़न असत्य है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि ए असत्य हो और आर सत्य हो तो डी आंसर होगा। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है। तो देखिए, एजर्शन दिया गया है कि द वेस्ट फ्रॉम अ पेपर फैक्ट्री कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वी शुड ट्रीट द वेस्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस बिफोर डिस्पोजल टू मेक इट सेफ, यानी कि कागज की फैक्ट्री से उत्पन्न जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा है, तो उस अपशिष्ट पदार्थ का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको अभिकृत किया जाता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या दिया हुआ है कि ट्रीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है ताकि ये जो अम्लीय इसका प्रकृति है उसको न्यूट्रलाइज, उसको उदासीनीकरण दिया जा सके। तो दोनों ही बातें आपको करेक्ट लग रही होंगी कि जो अभिकथन और कारण है वो दोनों बिल्कुल सही हैं, और जो कारण दिया गया है वो इस अभिकथन की ही जस्टिफिकेशन दे रहा है, इसी को सत्यापित कर रहा है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, इसी को व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर आप ए ही लिखेंगे, क्योंकि ए का मतलब क्या है कि दोनों जो हैं स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और आर इज़ द रीज़न, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन, ठीक है। अब इसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, हालांकि आपको पेपर में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी इस क्वेश्चन में, ये एक मार्क का एक क्वेश्चन होता है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के ऑप्शंस में से आंसर देने होते हैं, दोनों स्टेटमेंट पढ़ के ए बी सी डी इन चारों में से कोई एक आंसर होगा, तो आपको इस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है।
कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जब वाटर में ऐड किया जाता है तो वो आयनाइज हो जाता है, ठीक है, टू फॉर्मिंग अ फॉर्म हाइड्रोजन. एंड यहाँ पर डिसोसिएशन के बाद दो आयन बनेंगे, एक तो हाइड्रोजन आयन होगा और दूसरा क्लोराइड आयन होगा. सो दस इट इज एसिडिक एंड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द एक्शन ऑफ द बेस, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का इस्तेमाल किया जाएगा. यहाँ रिएक्शन दे भी गई है कि HCl और NaOH, इनको रिएक्शन होती है जब किसी एसिड और बेस की, तो हमें पता है एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है. आगे हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस की, तो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे. एजर्शन क्या दिया हुआ है बेटा, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग. तो ये बात जो है कि कभी भी जब किसी एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो कैसे इसकी एडिंग की जाती है, तो हमें सिर्फ वाटर ही लेना है, वाटर में एसिड को स्लोली जो है मिक्स किया जाता है डाइल्यूट करने के लिए. तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एसिड में आप वाटर डाल रहे हैं, हमेशा वाटर में एसिड डाला जाता है, स्लोली डाला जाता है और कॉन्स्टेंट स्टिरिंग के साथ डाला जाता है, ठीक है. इसका रीज़न दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि जल में जब अम्ल के घुलने की प्रक्रिया होती है वो अत्यंत ऊष्माशेपी होती है. तो इसी रिएक्शन की वजह से ये ऊष्माशेपी अभिक्रिया है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो इस वजह से ही तो हम स्लोली स्लोली इसमें ऐड करते जाते हैं वाटर के अंदर एसिड को और कॉन्स्टेंट स्टिरिंग करते हैं. तो इसका आंसर यानी कि जो अभिकथन है, इसका जो स्टेटमेंट, ये जो रीज़न दिया हुआ है वो इसको बिल्कुल सही करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है. इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या देंगे, हम ए देंगे, क्योंकि ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एजर्शन दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस बट नॉट एन अल्कली, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है ना कि क्षारक, यानी कि वो क्षारक नहीं है. इसका मतलब क्या है कि वो सोल्यूबल नहीं होता. अल्कलीज जो होते हैं वो ऐसे बेस होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं. रीज़न दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है. अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, वाटर के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2. तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम इसमें आंसर क्या देंगे, फिर हम आंसर सी देंगे, क्योंकि ए तो ट्रू है, एजर्शन इज ट्रू, बट और आर इज फॉल्स, यानी कि जो रीज़न दिया गया है वो करेक्ट नहीं है. थर्ड क्वेश्चन सेज देर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर वैन ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद डिस्टिल्ड वाटर. तो ये बात करेक्ट है बिल्कुल, कि लिटमस पेपर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा, कोई चेंज इन कलर नहीं दे रहा है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के जो pH है वो 7 है, न्यूट्रल है. अब यहाँ पे रीज़न क्या दिया है कि लिटमस पेपर इज़ यूज टू फाइंड वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. तो बात करें कि लिटमस पेपर का, ये बात तो हमें पता है कि एसिडिक और बेसिक जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता, यूज़ किया जाता है. लेकिन लिटमस पेपर की जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है, क्या वो इस एजर्शन के लिए परफेक्ट रीज़न है, क्या इसी की एक्सप्लेनेशन है, तो ऐसा नहीं है. आंसर हम देंगे फिर बी, कि ए इज़ ट्रू, बी आर इज़ ट्रू, बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है. तो इसका आंसर सी, थर्ड का आंसर जो है हम बी लिखेंगे, ठीक है बच्चों. यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 4 है. पिछले क्वेश्चन में थर्ड एंड फोर्थ एजर्शन और रीजन दोनों पे नंबर डाले गए थे, तो ये 4th है, ये 5th है, एंड दिस इज 6th. सो एजर्शन इज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल करेक्ट बात है. अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर, यानी कि HNO3 जो है वो एक प्रबल अम्ल है और एक प्रबल अम्ल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है. तो दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है. 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एसिड एंड बेस रिएक्शन. एसिड बेस रिएक्शन यानी कि लवण जो है वो अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पाद होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ए इज ट्रू. ओके, नाउ द सेकंड यानी कि रीजन क्या है कि सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक, लवण अम्लीय या क्षार हो सकते हैं. तो बेटा इसके लिए फिर हम आंसर क्या देंगे, यहाँ पर बेटा आंसर होगा बी, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. 6 कहता है कि ऑन एडिंग H2SO4 टू वाटर, जब हम H2SO4 को ऐड करते हैं वाटर में तो रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन जो होता है वो करोसिव हो जाता है, यानी कि H2SO4 को जल में डालने पर जलीय विलयन संक्षारित हो जाता है. रीज़न क्या दिया है कि हाइड्रोनियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करोसिव एक्शन, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस संक्षारित क्रिया के लिए उत्तरदायी है. तो दोनों बातें करेक्ट हैं, इसलिए हम इसका आंसर देंगे.
ए, तो ए विल बी द आंसर. ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे कंप्लीट कर लिए अपने assertion reason की. कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं. लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो.